हेलो एवरीवन, सो द सीयूईटी कॉलेज रियलिटी शो के अंदर एक बार आपका फिर से स्वागत है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट के आर मंगलम यूनिवर्सिटी एंड दिस इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम हरियाणा। सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में आज अपन इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज एन प्राइवेट टाइप यूनिवर्सिटी एंड दिस इज ओपन इन सिंस 2013 2013 के अंदर ये कॉलेज ओपन हुआ है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। क्या इसका प्लेसमेंट सीन है, कितना इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, कितना इसका लोएस्ट प्लेसमेंट किया है, क्या ये बुरा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट कैसा है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, टीचिंग क्वालिटी कैसी है एंड एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग ये कैसी है, तो चलिए देख लेते हैं आज इसके बारे में अपन कंप्लीट के अंदर। एंड सो गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैंपस एरियाज की अगर अपन बात करें तो 24 से 25 एकड़ का इसका कैंपस है टोटली। दिस इज एन प्राइवेट कॉलेज एंड 2013 में ये ओपन हुआ है। ये जो अप्रूव्ड है UGC एंड जस्ट लाइक हरियाणा गवर्नमेंट एंड अदर। एंड अगर इसके अपन लोकेशन की बात करें तो दिल्ली से थोड़ा दूर गुरुग्राम के अंदर है। एंड कुछ जो है यहाँ पे प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनीज उठाती है और क्या क्या स्टूडेंट्स का क्या रिव्यूज है इसके बारे में भी देख लेते हैं। एंड अपन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, ओके, और फीस की भी बात कर लेते हैं कि फीस इज वेरी हाई कि वेरी लो, राइट। सो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कैंपस की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली ऑसम, उतना ज़्यादा लश ग्रीन नहीं है लेकिन अगर इसके फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज गुड, ओके। एंड जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज इज आउट ऑफ, अगर अपन इसको मार्क्स दे तो 10 out of 8 अगर हम इसको मार्क्स देंगे। वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे आप रील्स वीडियो आसानी से बना सकते हैं, ओके। एंड वी विल मैनेज एंड लैब्स एंड जस्ट लाइक छोटे छोटे इक्विपमेंट थोड़े थोड़े अवेलेबल है। देर आर एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन एवरी क्लासरूम एंड वी हैव जस्ट लाइक वेल मेंटेन्ड एंड हाइजेनिक जस्ट लाइक रूम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। मेडिकल रूम इज आल्सो प्रोवाइडेड, वी हैव इनफ बेंचेस एंड क्लासरूम्स, राइट, वो तो बैठने के लिए चाहिए चाहिए। एंड जस्ट लाइक रियली गुड कैंटीन एंड अच्छा खाना बनता है एंड ये जस्ट लाइक ठीक है। अब अपन बात करते हैं फैकल्टी की, फैकल्टी का क्या सारा सीन है। तो ऑल टीचर्स, ऑलमोस्ट टीचर्स इज नॉलेजेबल, ठीक है, सारे टीचर नहीं है, ऑलमोस्ट टीचर्स। एंड जस्ट लाइक कुछ कुछ ने PhD भी कर रखा है। देर आर थोड़े थोड़े टीचर सपोर्टिव भी है, बहुत सारे टीचर सपोर्ट भी नहीं करते। एंड अमेजिंग एजुकेशन क्वालिटी एंड टीच विद प्रोडक्ट जस्ट लाइक प्रोजेक्टर्स, बुक्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड जस्ट लाइक MST कम्प्लीट होती है एंड वन कैन फाइंड सेमेस्टर एग्जाम। एंड जस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको टफ भी मानते हैं क्योंकि प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। अगर अपन इसके प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, अगर अपन इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट इज रियली बैड। एंड कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जस्ट जो है हाईएस्ट सैलरी पैकेज एंड लोएस्ट सैलरी पैकेज इज वेरी बैड। एंड बहुत सारे जस्ट आपने देखा होगा कि जो है यहाँ पे 10 LPA का पैकेज गया है, 7 LPA का पैकेज गया है, दिस इज नॉट रियल। एक दो बच्चे का यार चला जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। अगर अपन एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो जो है एवरेज प्लेसमेंट आप मान के चल सकते हो 10 से 15 हज़ार पर मंथ, ओके। एंड जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन आई डोंट लाइक इट, ठीक है, क्या दिखा रहा है आई डोंट नो अबाउट इट। एंड अपन यहाँ पे कुछ मेजर कंपनी जो कि विजिट करती है जैसे TCL है, TCS है, SCL है, Adobe है, Amazon वगैरह वगैरह, इसने तो बहुत कुछ दिखा रखा होगा आपको गूगल वगैरह पे। लेकिन आपको एक जानकारी दूंगा ऐसे कॉलेजों के बारे में कि आप जस्ट जो है इनकी वेबसाइट के अलावा आप रियल के अंदर विजिट ज़रूर कर ले और यहाँ के जो सीनियर्स हैं उनसे ज़रूर बातें कर ले कि भैया क्या सारा सीन है। भैया मैंने जो है इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट से जो क्वारी की है और जो मेरे को जो फीडबैक मिला है, दिस इज़ द ये मेरे को रिसीव हुआ है मेरी टीम की तरफ से कि भैया फीस इज वेरी हाई, ठीक है, एंड द प्लेसमेंट इज वेरी फ्यू एंड ओनली दोज वो आर डिजर्विंग कैन गेट द जॉब एंड द मोस्ट ऑफ द जॉब इज ऑफर्ड टू द PG ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड देर आर वेरी फ्यू इंटर्नशिप अवेलेबल फॉर द UG कोर्स स्टूडेंट्स, अराउंड 15 to 20% ऑफ स्टूडेंट कैन गेट प्लेसमेंट, ठीक है। एंड अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, क्लीन एंड वाईफाई फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल एंड क्लासरूम इज गुड एंड सम टीचर्स जस्ट लाइक बहुत सारे टीचर जो है एक ही टीचर 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है एंड जस्ट लाइक गुड फैसिलिटीज ऑलमोस्ट। लेकिन प्लेसमेंट और फीस का बड़ा इश्यू है, फीस ज़्यादा ले रहा है, प्लेसमेंट बहुत कम हो रहा है, यहाँ पे इंटर्नशिप लग नहीं पा रही है स्टूडेंट्स की,
दिस इज बैड, और जस्ट आप देख सकते हो ठीक है। ओवरऑल अगर अपन इसको मार्क्स दे तो 10 out of 4 अपन इसको मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, एंड उतना अच्छा मेरे को आई थिंक देखने को मिला नहीं जैसा कि प्राइवेट कॉलेज आप बिल्डिंग वगैरह देख रहे होंगे। एंड टीचिंग क्वालिटी इज नॉट गुड नॉट बैड, जस्ट लाइक नॉर्मल टाइप आप समझ सकते हो। प्लेसमेंट इज वेरी बैड, फीस इज वेरी बैड, फीस बहुत ज़्यादा हाई है इसकी। ओके एंड फैकल्टी इज ऑलमोस्ट सपोर्टिव। ओके गाइस, तो 10 out of 4 मार्क्स इसको हमने दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग, सो यू कैन एनरोल नाउ, टेक द गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशंस इन योर डिजायर ब्रांच एंड डिजायर कॉलेज। सो जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया गूगल फॉर्म का, या फिर जो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।